हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बेसिक मेडिकल प्रैक्टिस। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि पॉकेट आर्टिकल्स क्या होता है, पॉकेट आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। यदि आप एक स्टाफ नर्स हैं तो ऑन ड्यूटी ये पॉकेट आर्टिकल्स आपके पॉकेट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम देखेंगे कुछ पॉकेट आर्टिकल्स एवं उनके यूसेस जो कि ड्यूटी के टाइम पे स्टाफ नर्स के पास में होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। फर्स्ट इसमें आता है पाउच। स्टाफ नर्स के पास में एक अच्छी क्वालिटी का पाउच होना चाहिए जिसमें कि वह सभी आर्टिकल्स इजीली उसमें कैरी कर सके। देन क्या होना चाहिए, कुछ बेसिक आर्टिकल्स होना चाहिए उस पाउच में, जैसे पेन होना चाहिए, ब्लू, ब्लैक, रेड कलर का क्या होना चाहिए उसमें, पेन होना चाहिए एक एक। देन पेंसिल होना चाहिए, रसर, शार्पनर एंड शॉर्ट स्केल उसमें होना चाहिए। इसके अलावा इंच टेप होना चाहिए उसमें, जो कि हम फिजिकल एग्जामिनेशन या बहुत तरह के मेजरमेंट करते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा थर्मामीटर होना चाहिए पाउच में, जो कि हम टेम्परेचर वगैरह देखने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्या होना चाहिए, टूनिकेट होना चाहिए जो कि हम अधिकांश सैम्पलिंग वगैरह में यूज़ करते हैं। देन उसके पास क्या होना चाहिए, नेल कटर होना चाहिए पाउच में, जो कि हम यदि पेशेंट को प्रोसीजर वगैरह देना है नेल केयर तो उसमें हम उसको यूज़ करेंगे। इसके अलावा सीज़र होना चाहिए जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वार्ड में, आईसीयू में। देन टॉर्च होना चाहिए जो कि एग्जामिनेशन में हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा एम्प्यूल कटर होना चाहिए जिससे कि हमें एम्प्यूल तोड़ने से जो इंजरी वगैरह होती है उसको प्रिवेंट किया जा सके। देन वॉच, ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। स्टाफ नर्स के पास में एक वॉच होना चाहिए जो कि उसके हाथ में होना चाहिए। वॉच एनालॉग होना चाहिए जिसमें कि हम सेकेंड भी देख सकें, जिससे हम पल्स वगैरह लेने में हम यूज़ करते हैं। देन पॉकेट डायरी होना चाहिए जिसमें हम शॉर्ट्स, नोट्स वगैरह कुछ लिखना हो तो वो उसमें हम इजीली लिख सकें। ये सब आर्टिकल्स होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। इससे रिगार्डिंग यदि कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।